हेडी के बारे में पढ़ा था। हेडी एक लड़की है, वो अपने दादाजी के साथ रहने आई है नए घर में, तो वो देखती इससे आगे क्या हुआ था। हेडी लुक्ड राउंड द रूम, हेडी ने लुक देखा राउंड चारों तरफ से द रूम कमरे को। हेडी कमरे में गई थी दादाजी के साथ, उसने चारों तरफ से देखा कमरे को। वेयर एम आई गोइंग टू स्लीप ग्रैंडफादर, फिर क्वेश्चन मार्क है, तो हेडी ने क्वेश्चन पूछा वेयर कहाँ पर आई एम गोइंग टू स्लीप, मुझे सोना है दादाजी, दादाजी मैं कहाँ सोऊंगी, मुझे कहाँ सोना है। फिर दादाजी ने रिप्लाई किया वेयर एवर यू वांट, जहाँ तुम चाहो, वेयर एवर जहाँ यू वांट तुम चाहो, जहाँ तुम चाहो ही सेड, उन्होंने कहा, दादाजी ने कहा जहाँ तुम चाहो उसको जाओ। हेडी नोटिस, हेडी ने ध्यान दिया सम स्टेप्स, कुछ सीढ़ियों पर, उसे कमरे में कुछ सीढ़ियां दिखाई दी, इन द कॉर्नर किसी कोने में, कमरे के एक कोने में उसको कुछ स्टेप सीढ़ियां दिखाई दी। सी क्लाइम्ड, वो चढ़ी देव उनके ऊपर, वो सीढ़ियों पर चढ़ी, क्लाइम्ड चढ़ना, एंड फाउंड और उसने पाया हरसेल्फ खुद को इन ए रूम एक कमरे में, वो सीढ़ियों से चढ़ते नीचे उतरी, उसने खुद को एक कमरे में पाया अंडर द रूफ छत के नीचे, रूफ का मतलब होता है छत, वो छत के नीचे उसको एक नया कमरा मिला उस कमरे में। देयर वाज हे, हे का मतलब होता है घास, ये एक टाइप की घास है, तो देयर वाज हे वहां पर घास थी ऑल ओवर द फ्लोर जमीन पर, वो जो नए कमरे में गई वहां पे जमीन पे क्या थी, घास उगी हुई थी फ्लोर जमीन पर। एंड इट स्मेल्ड, इसकी स्मेल आ रही थी गुड अच्छी, वो जो घास थी उसकी स्मेल भी अच्छी आ रही थी फ्रॉम ए विंडो एक विंडो से, इन द रूफ छत की एक विंडो से। सी कुड सी, सी हेडी के लिए है, हेडी कुड सी देख पा रही थी द माउंटेन्स पहाड़ों को। हेडी उस कमरे में एक विंडो थी छत के ऊपर, तो वो छत से क्या कर सकती थी, पहाड़ों को भी देख सकती थी। आई एम गोइंग टू स्लीप हियर, आई एम वे गोइंग टू स्लीप, यहाँ सोऊंगी, शी कॉल्ड, उसने बोला, हेडी ने बोला दादाजी से कि मैं यहाँ सोऊंगी, यहाँ मतलब जहाँ पे उसको घास दिखाई दी थी वहां वो घास रहेगी। इट्स नाइस हियर, इट्स नाइस ये अच्छा है, यहाँ पर यहाँ अच्छा है, कम आओ एंड सी और देखो हाउ नाइस इट इज, कि ये कितना अच्छा है, वो दादाजी को बोल रहे हैं कि आप भी आओ और देखो यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, नाइस अच्छा। आई नो मैं जानता हूँ, आई हैव सीन मेरा देखा हुआ है इट इसे बिफोर, पहले भी मेरा इस क्लास को पहले भी देखा हुआ है, ये आंसर दादाजी ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया। हेडी मेड ए लिटिल बेड, हेडी ने बनाया, मेड बनाया ए लिटिल बेड, छोटा सा बिस्तर फॉर हरसेल्फ खुद के लिए, आउट ऑफ द हे उसने घास के थोड़ा आगे खुद का बिस्तर बनाया, बिस्तर लगा लिया उसने। देन इसके बाद शी कॉल्ड, उसने बुलाया टू ग्रैंडफादर दादाजी को, टू ब्रिंग लेकर, ब्रिंग मतलब लेकर आना, उसने दादाजी को लाने के लिए बुलाया, हर उसके लिए सम सीट कोई चद्दर, चद्दर ओढ़ने के लिए उसने दादाजी को बोला कि चद्दर लेके आना मेरे लिए। ही हैड नो शीट्स, ही हैड उनके पास नहीं था शीट चद्दर, उनके पास चद्दर नहीं था, बट लेकिन ही फाउंड उनको मिला सम पीसेस कुछ कपड़े के टुकड़े, हार्ड ब्राउन क्लोथ, हार्ड मोटे ब्राउन, ब्राउन कलर के भूरे कलर के कपड़े के उनको कुछ टुकड़े मिल गए दादाजी को, कटिंग पीसेस। ही ब्रॉट, वो लेकर आए, ब्रॉट लेकर आना, देन उनको वो कपड़े के कुछ पीसेस थे उनको लेके आए, अब ऊपर ऊपर लेके आए एंड और लेट रखा, देन उनको उन कपड़े के टुकड़ों को रखा ओवर द हे घास के ऊपर रख दिया उन्होंने, हेडी के लिए ओढ़ने के लिए लेके आ गए कुछ कपड़े। तो आगे देखते हैं, इट्स ए लवली बेड हेडी क्राइड, इट्स ए यह है लवली अच्छा बेड,
बिस्तर, ये एक अच्छा बिस्तर है। हेडी ट्राइड, हेडी ने बोला, हेडी ने बोला जुफास के पास बिस्तर बनाए थे उसके लिए कि ये अच्छा है। आई वॉन्ट टू गो बेड इन इट बट इट्स नॉट नाइट टाइम। फिर इसके बाद हेडी ने बोला आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ टू गो बेड, सोना, गो बेड का मतलब सोने के लिए लेंगे इन इट, इसके ऊपर, मैं इसके ऊपर सोना चाहती हूँ, बट लेकिन इट्स नॉट, ये नहीं है नाइट टाइम, रात का टाइम अभी। फिर दादाजी बोलते हैं कि तू सोना तो चाहती है लेकिन अभी ये रात का टाइम नहीं हुआ है, सोने का टाइम ही नहीं हुआ। आई थिंक, मैंने बोला, सॉरी आई थिंक, वी शुड ईट, हम खाना खाएंगे फर्स्ट, पहले। ग्रैंडफादर सेड, दादाजी ने बोला कि मैं, मुझे ऐसे लगता है कि हमें पहले खाना खाना चाहिए, ईट, खाना खाना फर्स्ट, पहले हमें पहले खाना खा लेना चाहिए, उसके बाद में बिस्तर में जाएंगे। एंड दे वेंट, वो गए डाउन, नीचे, दे स्टेप, सीढ़ियों से, वो दोनों बात करते हुए सीढ़ियों से नीचे गए। ग्रैंडफादर मेड द फायर बर्न, दादाजी ने बेड बनाई, फायर बर्न, आग जलाई, वो आग जलाने वाला था उनके पास, तो उन्होंने वहां पे आग जलाई फायर प्लेस पे। देन ही कट ए बिग पीस ऑफ चीज, देन इसके बाद ही कट, उन्होंने कट किया, काटा ए बिग पीस, बड़ा सा टुकड़ा ऑफ चीज, पनीर का, चीज का मतलब होता है पनीर, उन्होंने पनीर का एक बड़ा टुकड़ा कट किया। ही पुट इट, इन्होंने रखा उसको नियर द फायर, आग के पास में रखा उसको, अंटिल, जब तक इट वॉज गोल्डन ब्राउन, इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए तब तक उन्होंने पनीर को कहाँ रखा, आग के पास में रखा गर्म होने के लिए। ऑल द साइड्स, चारों तरफ से पनीर का कलर कैसा होना चाहिए, गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। हेडी रन टू द कबर्ड, हेडी रन, दौड़कर आई टू द कबर्ड, अलमारी के पास में, हेडी अलमारी के पास में दौड़कर आई। सी टुक, उसने लिया, टुक टुक मतलब लेना, आउट, बाहर, उसने बाहर निकाला द ब्रेड, ब्रेड लिया उसने, एंड टू बाउल्स, दो कटोरियां ली, एंड फोर पुट देम, उनको रखा ऑन द टेबल, टेबल पर। हेडी अलमारी के पास गई तोड़ के, और वहां से क्या लेके आई, ब्रेड लेके आई, दो कटोरियां लेके आई, और उनको कहा रखा, टेबल पर रख दिया। हमने देखा हेडी को कटोरियां लेकर आई थी और उसने टेबल पर रख दिया। अब आगे, सो यू कैन थिंक फॉर योर सेल्फ सेड ग्रैंडफादर, सो अच्छा, यू कैन थिंक, तुम सोच सकती हो फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा, दादाजी ने कहा कि अच्छा तो तुम खुद के लिए सोचती हो, दैट्स गुड, ये तो अच्छी बात है। नाउ वेयर आर यू गोइंग टू सिट, दादाजी से पूछे, नाउ एट वेयर, कहाँ आर यू गोइंग टू सिट, तुम बैठने जा रही हो, वो उससे पूछते हैं कि हम खाना खाएंगे तो तुम कहाँ बैठोगी, कहाँ बैठने जाओगी। ही पुट हर, ही पुट हर, उन्होंने पुट रखा हर उसको, उन्होंने रखा मतलब बिठाया, उन्होंने बिठाया उसको, हेडी को, ऑन टू, ऊपर, हिज ऑन चेयर, अपनी खुद की चेयर पर, दादाजी ने हेडी को कहाँ बिठाया, अपनी खुद की चेयर पर बिठाया। द टेबल वाज टू हाई फॉर हर, वो जो खाना खाने वाली टेबल थी वाज टू हाई, बहुत ज्यादा ऊपर थी फॉर हर, उसके लिए, हेडी के लिए टेबल की जो हाइट थी वो थोड़ी ज्यादा थी, बट लेकिन द हॉट चीज, गरम पनीर एंड ब्रेड, और ब्रेड वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा था, हाइट तो ज्यादा थी टेबल की लेकिन पनीर और वो ब्रेड अच्छा था। देन ग्रैंडफादर, इसके बाद दादाजी फिल्ड भर दिए थे, फिल मतलब भरना हर बाउल, उसकी कटोरी को, इसके बाद दादाजी ने उसकी कटोरी को भर दिया था विद गोट्स मिल्क, बकरी के दूध से, दादाजी के वो बकरी का कमरा भी था ना, बकरियां भी थी, तो उन्होंने वो दो कटोरियां लाई थी, उसमें किससे भर दिया, बकरी के दूध से भर,